टीम इंडिया के प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच ये दिलचस्प जंग, जब एक सेंचुरी लगाता है तो दूसरा भी उसको फॉलो करता है। ये हेल्दी कंपटीशन चलता रहे तो समझो टीम इंडिया का वर्ल्ड कप पक्का। गुरु शिष्य की इस जुगलबंदी से तो कंगारू भी कांप जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 सीजन में फैंस को कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, चाहे आखिरी ओवर में रिंकू सिंह के लगातार 5 छक्के लगाकर मैच जिताना हो या फिर तेज गेंदबाज संदीप शर्मा हो जिन्होंने आखिरी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा जैसे धुरंधरों को रोक दिया था। यह आईपीएल ऐसे कई रोमांचक मैचों से होते हुए प्लेऑफ में एंट्री कर चुका है। मगर इन सब के बीच विराट कोहली के फैंस को काफी निराशा हुई है। कोहली ने इस सीजन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी अपने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खिताब जिताने के लिए। इस सीजन जब जब कोहली ने अपनी ताकत दिखाई तब विपक्षी टीम उनके सामने नतमस्तक होती नजर आई। मगर इस सीजन में एक खिलाड़ी ऐसा भी रहा जिसने कोहली के सामने पूरी दम से उसका मुकाबला किया और कोहली को पूरी तरह से निराश किया है। इस प्लेयर का नाम शुभमन गिल है। इस पूरे आईपीएल सीजन में 34 साल के कोहली और 23 साल के शुभमन गिल का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। ये दोनों ही प्लेयर किसी भी मामले में एक दूसरे से कम नजर नहीं आए। कोहली भारतीय टीम का वर्तमान है तो गिल भविष्य है। कोहली और गिल के रूप में इस पूरे आईपीएल में टीम इंडिया के वर्तमान और आने वाले कल में रोचक जंग देखने को मिली है। वैसे तो मौजूदा आईपीएल सीजन के लगभग सभी मैच रोमांचक रहे हैं, मगर ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच को सबसे दमदार कहा जाए तो शायद आप इनकार नहीं कर पाएंगे। यह मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था। इस मैच में असल मायने में कोहली और गिल यानी टीम इंडिया के वर्तमान और भविष्य के बीच रोचक जंग देखने को मिली थी। मैच में बेंगलुरु टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 197 रन बना दिए थे। इस दौरान कोहली ने 61 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उनका स्ट्राइक रेट भी 166 का रहा था। कोहली के आगे गुजरात टीम के गेंदबाज काफी फीके नजर आए थे। लग रहा था कि आरसीबी की टीम यह मैच आसानी से जीत लेगी, मगर दूसरी टीम यानी गुजरात में भारतीय टीम का भविष्य माने जा रहे शुभमन गिल ओपनिंग में मोर्चा संभाल रहे थे। फिर क्या था, गिल ने भी कोहली की तरह ही अपनी टीम को ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत दी। मगर यहां गिल एक मामले में कोहली से कोसों आगे निकल गए और वो था स्ट्राइक रेट। मुकाबले में कोहली ने जहां लगभग 166 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे तो गिल ने 200 के स्ट्राइक रेट से अपना बल्ला चलाया था। गिल ने 8 छक्के और 5 चौके जमाए जबकि कोहली सिर्फ एक ही छक्का लगा पाए थे। हालांकि उन्होंने 13 चौके जरूर लगाए थे, पर फिर भी शुभमन गिल हर मामले में कोहली पर भारी नजर आए। मैच जिताने में भी गिल ने ही बाजी मारी थी। इस स्टार ओपनर ने 52 गेंदों पर नाबाद 104 रन बनाते हुए अपनी गुजरात टीम को 19वें ओवर में जीत दिला दी थी। यानी आप स्ट्राइक रेट देख ले या फिर मैच जिताने की बात करें, हर मामले में गिल ही कोहली पर भारी नजर आए हैं। अब सोशल मीडिया पर क्रिकेट के किंग और क्रिकेट के प्रिंस को लेकर काफी बातें हो रही है। क्रिकेट एक्सपर्ट का मानना है कि शुभमन अब विराट कोहली की राह पर चल पड़े हैं और विराट जिस तरह से अपने शुरुआती दिनों में जिस तरह के फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते थे, शुभमन भी कुछ उसी तरह से क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। और तो और, शुभमन और कोहली के बीच पिछले कुछ दिनों से गजब का संयोग देखने को मिला है। बड़ी पारी खेलने के मामले में दोनों ने एक दूसरे को खूब फॉलो किया है। जब जब शुभमन ने शतक लगाया है विराट या तो उसी मैच में या उस मैच के बाद शतक जड़ा है। और ऐसा सिर्फ आईपीएल में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखने को मिला। जब बांग्लादेश दौरे में शुभमन गिल के दोहरे शतक के बाद उसी मैच में कोहली ने भी 3 साल बाद शानदार शतक जड़ा था। उसके बाद आईपीएल में शुभमन गिल ने आईपीएल के 62वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक जड़ा था। वहीं ठीक इसके बाद 65वें मैच में कोहली ने भी सनराइजर्स के खिलाफ ही शतक जड़ दिया था। वहीं बेंगलुरु में खेले गए आईपीएल के आखिरी मैच में दोनों ने फिर वही कारनामा दोहराया। ऐसे में शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट का अगला उत्तराधिकारी माना जा रहा है। आने वाले समय में सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर से चली आ रही विरासत को संभालेंगे।